नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CHSL टीयर 1 का। आप सभी का एग्जाम 2023 का चल रहा है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स आ रहे होंगे कि इसका एग्जाम जो है कब तक चलेगा, ये भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में। साथ ही बात करने वाला हूं कि इसकी जो आंसर की होगी वो आप सभी की कब तक आ जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि आपका जो टीयर 2 का पेपर है वो आपका कब तक होगा, टीयर 2 के पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो आप सभी का कब तक आएगा, सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरह से बताएंगे, कब तक आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, फाइनल सिलेक्शन आप सभी का कब तक हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, इसके बारे में अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो आपके ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आपके एग्जामिनेशन डेट के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसका एग्जाम जो है 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और इसका एग्जाम जो है फाइनली 22 अगस्त 2023 तक आप सभी का इसका एग्जाम जो है चलने वाला है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं 22 अगस्त तक आप सभी का एग्जाम चलेगा। जनरली आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से SSC जो अपना टाइम से आंसर की अभी फिलहाल में दे रहा है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ देखिए, मिनिमम आपके कभी 4-5 दिन में आंसर की आ जाती है और मैक्सिमम बात करें तो 6 से 8 दिन के बीच में आप सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आंसर की अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी लास्ट डेट से बात करें तो देखिए 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, कितनी 22 अगस्त। ठीक है, और उससे अगर हम 6 से 8 दिन अगर हम लगाएं तो आंसर की आने में 6 से 8 दिन लगते हैं। तो मैक्सिमम अगर हम डेट के बारे में बात करें तो देखिए 28 तारीख तक हो सकता है, उससे पहले भी आंसर की आपकी आ जाए, लेकिन मैक्सिमम आपको 28 तारीख से लेकर 30 जो है कि 28 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2023 तक आप सभी की आंसर की आप सभी के सामने होगी, आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही दोस्तों आंसर की आएगी, हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आ जाएंगे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। बात करता हूँ आंसर की के बारे में। दोस्तों, आंसर की को चेक करने के लिए एक निश्चित टाइम दिया जाता है, 4 से 5 दिन आप सभी को आंसर की यानी कि चेक कर पाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बाद लिंक जो है उसका डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसके बाद आप आंसर की नहीं चेक कर पाते। तो दोस्तों, मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी आंसर की को समय से चेक कर लें। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग बाद में देख रहे हैं तो फिर आंसर की आप लोग नहीं चेक कर पाओगे, फिर आपको रिजल्ट का ही वेट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे। आगे मैं बात करता हूं आपके रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, रिजल्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट पास होते हैं, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनके एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है भाई, मेल के अलग फीमेल के अलग, उसमें रोल नंबर और आप सभी के नाम होते हैं। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उसमें आपको रोल नंबर मिलेगा, उसका नाम मिलेगा और कैटेगरी का कोड मिलेगा। ठीक है भाई, ये डिटेल आप सभी की उस लिस्ट में दे रखी होती है। अगर हम बात करें देखिए वो लिस्ट आप सभी की कब तक आ जाएगी, अगर मैं एवरेज बात करूँ तो देखिए 50 से 60 दिन आप सभी के एग्जाम डेट से लग जाते हैं आपके रिजल्ट आने में। अगर हम एक ऑनलाइन एवरेज अगर हम डेट पर बात करें, एक्सपेक्टेड डेट मैं आप सभी के साथ में बता रहा हूँ, हो सकता है यही डेट हो, आपको 2-3 दिन ऊपर नीचे भी हो जाएगा, ये फिक्स डेट तो नहीं है कि इसी डेट को आएगा, लेकिन मैं आपको एक एवरेज डेट बता दे जाऊँगा। आपको एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करें तो देखिए 15 अक्टूबर से लेकर आप सभी का रिजल्ट जो है 25 अक्टूबर 2023 तक आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी वो आप सभी के सामने होगी, वो आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, और जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपको SSC के रिगार्डिंग आप पल-पल की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है भाई, मैं आपको तुरंत अपडेट जो भी अपडेट आता है तुरंत के तुरंत आपका चैनल पर वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करता रहता हूँ। ठीक है भाई, आगे मैं बात करता हूँ आपके। उसके बाद आप लोग पूछेंगे कि जो कैंडिडेट फेल है या पास है वो कैंडिडेट अपना मार्क्स कैसे चेक कर पाएंगे, स्कोर कार्ड कैसे चेक कर पाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में कितना आपका नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है घटा है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, वो आप कब चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं, जब आपका ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उसी में एक डेट दे रखी होती है, उसी डेट में आपको यानी कि आपका आ जाता है 8 से 16, हो सकता है कभी 10 दिन की डेट दे देते हैं, कभी 15 दिन की डेट दे देते हैं। तो वो 10 से 15 दिन बाद आपकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उससे 10-15 दिन बाद आप सभी के जो है मार्क्स आपके शो कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं आईडी पासवर्ड डाल के। एक रिजल्ट का एक सेक्शन होता है, वहां पे जाके आपको रिजल्ट को अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर पाते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा। बात करता हूं जो कैंडिडेट टीयर 1 का पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, मींस आपका जो CHSL का फिलहाल पेपर चल रहा है वो पेपर को आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वही कैंडिडेट टीयर 2 का पेपर दे पाएंगे, इस चीज को मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है भाई, बात करते हैं टीयर 2 को पेपर में क्या क्या होता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ क्या क्या पूछा जाता है। अगर हम बात करें देखिए टीयर 2 का पेपर सारा प्रोसीजर दोस्तों एक ही दिन में होता है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। आगे हम बात करना चाहेंगे देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेशन फर्स्ट के बारे में। सेशन फर्स्ट में बात करें तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें मैथ्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहता है, अगर हम बात करें टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 30-30 60 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 60 क्वेश्चन जो है 180 मार्क्स के आप सभी के रहेंगे, यानी 180 मार्क्स के आप सभी
का पेपर रहेगा कितना, सेशन वन का, जो कि मैथ्स और रीजनिंग होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। उसके लिए आपको एक घंटे का टाइमिंग भी दिया जाएगा, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे हम बात करना चाहेंगे। देखिए जो आपका सेशन सेकंड है उसमें बात करें तो देखिए इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके जीएस से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए ये भी, और 180 मार्क्स के हो गए। इसके लिए भी आपको एक घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आपका 180 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है भाई, सेशन टू का बात करते हैं। देखिए जो कट ऑफ होनी है वो आपकी कट ऑफ जो बननी है वो इसी पे बनने वाली है, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके। ठीक है, आपके चार सब्जेक्ट जो मैं आपको भी बताए हैं इसी पे आपकी कट ऑफ बनेगी, टोटल आपको 160 कितना हो गया, 360। ठीक है, यानी 360 पे ही आपके टोटल कट ऑफ बनने वाली है। इस चीज़ का मैं आपको पहले बता देता हूँ जो मैंने आप सभी के साथ में शेयर की है, उनके लिए आपको एक एक घंटा का टाइमिंग भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ। देखिए कंप्यूटर का पेपर होगा जो जिसमें आपके कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 नंबर का आपका पेपर होगा कंप्यूटर का, जिसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसमें आपको 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा कोई भी। ठीक है, ये केवल आपको पास करना पड़ेगा, ये पास करना कंपलसरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, इसके बिना आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। आगे बात करते हैं। देखिए आपका टाइपिंग और आपके जो स्किल टेस्ट होना है, देखिए जो स्किल टेस्ट होगा वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट होगी उसके लिए होगा, उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। और बात करें देखिए स्किल टाइपिंग टेस्ट जो है आपका जो LDC और JSA की जो पोस्ट है उसके लिए होगा टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, उसके लिए आपको कितना, 10 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आपको क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी आपको पास करना कंपलसरी है, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, लेकिन इसका मेरिट पे कोई असर नहीं जुड़ेगा, ना ही कोई इसके नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये क्लियर हो गया होगा। ये सिलेबस में आपको मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टाइमिंग भी आप सभी को सब कुछ बता दिया है। टोटल मेरिट जो बननी है वो आपकी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके जो कि आपके 360 मार्क्स के हैं, टोटल उसी पे आपकी कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट जो बताएं वो क्वालिफाइंग नेचर होंगे। क्लियर हो गया होगा आप सभी का डाउट। आगे हम बात करते हैं। देखिए इसका टीयर टू का जो पेपर है वो कब तक होने वाला है। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो वो एक्सपेक्टेड हम बात करें तो देखिए नवंबर के सेकेंड वीक में आप सभी का जो है 2023 में आपका हो सकता है कि आपका पेपर जो है हो जाए। ठीक है, जैसे ही आपका टीयर वन का रिजल्ट आएगा उससे 10-15 दिन बाद ही आपका जो है इनकी पेपर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग आपको उसमें नहीं मिलता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करना चाहेंगे उसके आंसर की भी। देखिए 6 से 8 दिन के बीच बाद आप सभी के आंसर की आ जाती है। और अगर मैं बात करना चाहूँ इसके फाइनल सिलेक्शन के बारे में तो देखिए फाइनल सिलेक्शन जो है इसका या तो दिसंबर के लास्ट में हो सकता है। ठीक है, दिसंबर इसी 2023 में, या फिर आपका जनवरी 2024 में आप सभी का फाइनल सिलेक्शन इसका हो सकता है। ठीक है भाई, तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में बता दिया है, A to Z जानकारी आई होप आप सभी के क्लियर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट या आप सभी का क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करें सभी दोस्तों में, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें, जिससे क्या आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।